रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है प्रचलित है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। साथियों, आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विन एनर्जी में भी 4थे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। इससे हमने इलेक्ट्रिक क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी उस सोर्स को ही हासिल करने का लक्ष्य अब भी हमने समय सीमा से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। हमने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया था और उसे भी समय सीमा से 5 महीने पहले ही हमने पूरा कर लिया है।